ताज पकवान में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का गुजिया। गुजिया सुन के ही मन में ख्याल आने लगता है कि चलो घर में मावा नहीं है, फिर कैसे मार्केट से लाना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ सब समस्या को हल कर करके आज बनाने जा रही हूँ बिना मावे वाली सूजी का गुजिया, जो मावे वाले गुजिया से भी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट। इसके लिए मैं ये ली हूँ आधा किलो, देखिए मैदा, मैदा में डालने के लिए जो स्टफिंग के लिए बनाने के लिए आधा किलो ही सूजी, जितना मैदा मैं ली हूँ तो आधा किलो सूजी ली हूँ। जैसे तीन कटोरी है सूजी, उसका डेढ़ कटोरी उसका आधा चीनी मैं ली हूँ, चीनी पीस करके मैं पीसी हुई चीनी जो डालूँगी। देखिए एक बाउल भर करके नारियल चूरा, नारियल का डस्ट और जितना ड्राई फ्रूट जो भी आप डालना चाहती है ड्राई फ्रूट, मैं काजू बादाम अखरोट और सूखे नारियल को काट के रखी हूँ। 5-6 इलायची का पाउडर डालूंगी, उसमें 100 ग्राम ही घी से मोह डालने से ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छा खस्ता एकदम गुजिया बनेगी। उसमें मावा को पूरा करने के लिए उसी वही ओरिजिनल टेस्ट आपका मावा का आएगा, जिसके में मिल्क पाउडर इसमें समझिए 8 चम्मच के करीब 2 पाउच मैं मिल्क पाउडर इसमें डालूँगी और गुनगुना पानी से इसको मैं गूँथूँगी एकदम। अब मैं देखिए मैदा को गूँथना शुरू कर दूँगी। सबसे पहले देखिए मैं घी डालती हूँ, 100 ग्राम के करीब घी डालना है इसमें। इसको अच्छे तरह से मैं मिलाऊँगी। देखिए गुजिया का आधा किलो मैदा में देखिए 100 ग्राम घी डालना है। 100 ग्राम घी डाल करके अब इसको इस तरह की मुट्ठी बांध के देखिए, अगर मुट्ठी बंधा जाए तो सोच लीजिए इसका मोहिम जो है परफेक्ट है, और अगर कम डालिएगा तो फिर अच्छी नहीं बनेगी, और अगर ज़्यादा डाल दीजिएगा तो फिर वो टूटने लग जाएगा गुजिया, इसलिए इसको पूरा अनुपात से घी डालना है इसमें। देखिए इस तरह से बाइंडिंग हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि एकदम ठीक है। अब इसको मैं गुनगुना पानी से गूंथने गुनगुना पानी से देखिए अगर मैदा गूंथिएगा तो गुजिया आपका बहुत खस्ता बनेगा, और यह ज़्यादा नरम भी नहीं गूंथना और ज़्यादा कड़ा भी नहीं गूंथना, ये ख्याल रखिए। और से देखिए ज़रा सा घी लगा करके इसको अच्छा से स्मूथ बनाने के लिए ऊपर से तेल लगा कर ग्रीस कर दूँगा और इसको रेस्ट में रख करके। देखिए मैदा गूँथने के बाद इसे मैं गीले कपड़े से ढक करके रख दे रही हूँ रेस्ट में, मैं जब तक ये रेस्ट में है तब तक मैं सूजी का तैयारी करने जा रही हूँ स्टफिंग के, और चीनी को मैं उसका इलायची पाउडर इसी में डाल करके इलायची को भी संग में पीस दूँगी और पीसे हुए चीनी को यूज। देखिए सूजी भुनने के लिए मैं 3-4 चम्मच घी ले लूँ बड़े टेबल स्पून से। अब इसमें घी सूजी को डाल करके भूनूंगी। देखिए उसको अच्छी तरह से भूनना है, मीडियम आंच पर, को हाई करके नहीं रखना, मीडियम आंच पर इसको मीडियम फ्लेम करके भूनना एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। अब इसमें मैं जिनी और इलायची पीस करके लाई हूँ, मैं इसे मिक्स कर दूँगी। अब चीनी देखिए मिक्स कर दूँ मैं, अब इसे मैं ट्रांसफर कर दूँगी दूसरे पक्के। ड्राई फ्रूट जो काट करके रखी थी उसे मैं हल्का सा घी में दे करके भून दूँगी। भून कर डालने से एक फ़ायदा होगा कि अगर महीना दिन भी रखिएगा इसको तो ख़राब नहीं होगा आपका। घी में डालने से फ़ायदा कि इससे टेस्ट भी बढ़ जाता, दुगना टेस्ट भी हो जाता और ख़राब भी नहीं होगा। बस हल्का सा घी में देकर इसको भूनना। अब ड्राई फ्रूट देखिए भून ली हूँ, अब इसे मैं इसमें सूजी में मिक्स करूँगी। घी में हल्का सा घी डाल करके जो नारियल का डस्ट है उसे भी मैं हल्का सा ब्राउन होने का था उसको भूनूंगी। देखिए इसको नारियल का डस्ट भी भून करके देने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और स्टोर करने में आपको सुविधा होगी, ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकती है। हल्का ब्राउन कलर के नारियल को भी मैं अच्छी तरह से भून ली हूँ, भून करके इसमें मिक्स कर दूँगी। बस इस सूजी का स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसको पंखे में ठंडा के बाद स्टफिंग करूँगी। ठंडी हो गई है, अब इसमें मैं मिल्क पाउडर डाल वो डाल के अच्छी तरह से इसको मिलाना है। गुजिया का देखिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं
मैदा का घोल हल्का सा पानी डाल के इसको घोल लूँगी थोड़ा सा चिपकाने के लिए, हल्का सा पतला सा घोल घोलना है, इससे चिपक जाएगा अच्छी तरह से, सूजी बाहर निकले स्टफिंग निकलेगा नहीं घी में। देखिए इसी तरह सा पतला घोल, एक घंटा रेस्ट हो गया, हम इसको गीले कपड़े को हटा दे रही हूँ, अब इसको अच्छी तरह से स्मूथ करूँगी। मैदा को इस तरह से रोल कर लेंगी और एक बराबर इसको लोई को, इसको सुविधा होगी आपको बेलने में, ना कोई मोटी रहेगी ना पतली रहेगी, एक बराबर लोई काट करके। ऐसे देखिए पतली पतली इस तरह का बेलना है ना पूड़ी का काल कर, जैसे पूड़ी बेलती हैं उस तरह से। जैसे गुजिया का सांचा में थोड़ा सा घी लगा कर इसको ग्रीस कर दूंगी, तो इसमें चिपकने का नहीं रहेगा, अच्छी तरह से निकल जाएगा बाहर। और इसको रख करके हाथ पर इसको देखिए इस तरह से रखना, और चम्मच के सहायता से इसको स्टफिंग को इसमें डालना है। उसके बाद जो मैदा का घोल जो मैं तैयार की हूँ इसमें अच्छी तरह से लगा दूंगी। लगा देने से गुजिया का स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगा, अच्छी तरह से चिपक जाएगा। इसका देखिए इस तरह से जोर से प्रेस करना है, प्रेस करके बाकी के जो मैदा ऐसे करके निकाल देना है। देखिए इस तरह से इसको स्टफिंग करके इसको सांचा से निकालना है। और मैं इसको भर भी दी हूँ, स्टफ कर ली हूँ, अब इसको मैं घी डाल करके इसको फ्राई करूँगी। बस दो दो पीस करके फ्राई करना, ज़्यादा करके एक साथ नहीं डाले, अब मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करना, ज़्यादा हाई करके नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर भुजिया ऊपर से लाल हो जाएगा, अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। देखिए मैं एक बार पलट दी हूँ, इसी तरह से ब्राउन कलर का हल्का ब्राउन इस कलर का इसको फ्राई करना। देखिए ब्राउन कलर हो गया, अब इसको मैं निकाल दे रही हूँ। दो तीन पीस करके तलने से आपको अच्छा रहेगा, एक दूसरे में चिपकेगा ना और अच्छा सा फ्राई होगा। देखिए हो गया, मैं इसको निकाल दे रही हूँ, टिश्यू पेपर पर ही निकालिएगा, जितना तेल रहेगा सब। टेस्टी और डिलीशियस गुजिया बिल्कुल बनकर का तैयार है, सूजी वाली गुजिया देखिए कितनी अच्छी बनी है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आशा करती हूँ बनाकर जरूर से आप लोग बनकर घर में ट्राई कीजिएगा, अगर आपके पास मावा नहीं हो तो इस तरीके से बनाइएगा तो गुजिया आपको मावा की तरह ही टेस्ट देगा, आपको खाने में पता ही नहीं चलेगा कि बिना मावे वाली गुजिया। पसंद आए तो मेरे चैनल पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर से मैं नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।